दोस्तों ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि सीनियर सिटीजन का ही टैक्स भरते होंगे, ना ही तो उनकी कोई इनकम होती है ना ही कोई टैक्स भरने की लायबिलिटी। लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है कि सीनियर सिटीजन भी जो है इनकम टैक्स भरते हैं। इनकम टैक्स के प्रावधान के हिसाब से इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है वो सीनियर सिटीजन पर भी आती है, उन्हें भी टैक्स भरना पड़ता है, उन्हें भी अपनी इनकम जो है डिस्क्लोज करनी पड़ती है और उन्हें भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है। लेकिन सरकार ने उनको देखते हुए, उनकी उम्र को देखते हुए सभी सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों को बहुत सारे एग्जम्पशन और डिडक्शन भी अलाउड किए गए हैं, क्योंकि सरकार को खुद को भी पता है कि यहां पर जो सीनियर सिटीजन है जिनके पास ज्यादातर एक्टिव इनकम नहीं होती है, ज्यादातर उनके पास जो इनकम होती है वो होती है पैसिव इनकम, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट का ब्याज या फिर सेविंग अकाउंट का ब्याज होना या फिर कोई रेंट इनकम, जो भी उनके पास संपत्तियां पड़ी है जिस पर वो रेंट की इनकम कमाते हैं, कोई पेंशन आ जाती है अगर रिटायरमेंट हो गया तो रिटायरमेंट बेनिफिट, पेंशन, ग्रेच्युटी, लिव एनकेशमेंट या ऐसे ही कोई पैसिव इनकम जो है उससे ही वो जो है अपनी इनकम यानी गुजर बसर करते हैं और यहां पर अपने दवाई और अपने रहने का यहां पर इंतजाम करते हैं। तो सरकार भी उनको देखकर सोच समझकर यहां पर उनके लिए बजट के हिसाब से जो है यहां पर उनके लिए जो है बेनिफिट लाया जाता है और उनको बहुत सारा डिडक्शन और एग्जम्पशन इनकम टैक्स के अंदर मिलता है। दोस्तों बेसिक स्लैब रेट भी यहां पर ज्यादा यहां पर सीनियर सिटीजन को दी जाती है, जो भी सीनियर सिटीजन है और सुपर सीनियर सिटीजन। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे ऐसे सीनियर सिटीजन जिनकी एक्टिव इनकम भी होती है, जिनकी पैसिव इनकम भी होती है। पैसिव इनकम के बारे में तो हमने आपको बता दिया, फिक्स डिपॉजिट का ब्याज, रेंट इनकम, पेंशन इनकम। पर एक्टिव इनकम, जैसे कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अभी भी काम कर रहा है, जॉब करता है, बिजनेस है उसका, प्रोफेशन है, तो यहां से एक्टिव इनकम से भी सीनियर सिटीजन जो कमाते हैं उन्हें यहां पर टैक्स देना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले हैं सीनियर सिटीजन को लेकर, तो यहां पर कौन है जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में आते हैं इनकम टैक्स के अंदर, इसी के साथ तीन कैटेगरी के यहां पर हम सीनियर सिटीजन के बारे में बात करेंगे, उनकी इनकम के बारे में बात करेंगे और उनकी टैक्स लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो यहां पर जॉब से है, सर्विस से है, प्रोफेशन से है पहले, दूसरे जो यहां पर बिजनेस करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तीसरे सीनियर सिटीजन वो है जो यहां पर कोई भी काम नहीं करते लेकिन उनके पास यहां पर संपत्तियां हैं, बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट बेनिफिट, जिससे वो सिर्फ ब्याज की इनकम, पेंशन इनकम से ही यहां पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तीसरा यहां पर पॉइंट जो हमारा होगा कि कौन से ऐसे सीनियर सिटीजन है जिनको इनकम टैक्स में यहां पर एग्जेम्प्ट किया गया है, यानी उनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत आवश्यकता नहीं है, कि बेसिक स्लैब रेट क्या होगी, कैसे उसको कैलकुलेट आप करेंगे, उसके बारे में भी डिटेल में हम डिस्कस यहां करने जा रहे हैं। तो आखिरी पॉइंट हमारा है वो यहां पर कौन से डिडक्शन और एग्जम्पशन सीनियर सिटीजन को दिए जाते हैं इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स के प्रावधान ऐसे कौन से हैं जिसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो सभी सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है, तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और आ जाते अपने टॉपिक पे, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। तो इनकम टैक्स के प्रावधान के हिसाब से कौन होंगे सीनियर सिटीजन और कौन होंगे सुपर सीनियर सिटीजन, जिसके लिए देख लेते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो यहां पर अगर आप रेसिडेंट इंडियन है यानी इंडिविजुअल है तो उस केस में ध्यान रखिएगा आपकी एज 60 साल से ज्यादा है पर 80 साल के अंदर है, 80 साल से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो यहां पर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी साल में कभी भी अगर आपका बर्थ डेट यहां पर 60 तक आ जाता है, 60 से क्रॉस हो जाता है, तो उस केस में यहां पर आप सीनियर सिटीजन हो जाते हैं और आप पर सभी सीनियर सिटीजन के एग्जम्पशन, बेसिक स्लैब रेट ये सभी लागू हो जाएंगे इनकम टैक्स द्वारा। यहां पर जो सुपर सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 80 साल से ज्यादा होनी चाहिए, तो इनकम टैक्स का जो प्रावधान है जिसके अंदर सुपर सीनियर सिटीजन वो होंगे जो रेसिडेंट इंडियन है, रेसिडेंट इंडिविजुअल है एंड जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है, तो वो सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आएंगे। तो यहां पर हमने ये तो समझ लिया कि सीनियर सिटीजन जो है वो 60 साल से ऊपर होने चाहिए और जो सुपर सीनियर सिटीजन है वो यहां पर 80 साल से ऊपर होने चाहिए। दोस्तों
अब यहां पर बात कर लेते हैं तीन तरह के सीनियर सिटीजन, यानी तीन टाइप्स के हम सीनियर सिटीजन आपको यहां पर बताने जा रहे हैं, जिनके पास एक्टिव इनकम भी है और जिनके पास यहां पर पैसिव इनकम भी है। तो एक्टिव इनकम कौन सी होगी, पैसिव इनकम कौन सी होगी, कौन से तीन तरह के यहां पर सीनियर सिटीजन जो हम कैटेगराइज करेंगे यहां पर इस वीडियो के अंदर। तो यहां पर सबसे पहले हम जो सीनियर सिटीजन की बात करेंगे, जो यहां पर जॉब करते हैं, सर्विस में है या कोई प्रोफेशन है, जैसे कि डॉक्टर हो गए, एडवोकेट हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, सीएस हो गए, या फिर कोई सैलरी पे है, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, प्राइवेट जॉब करते हैं। तो दोस्तों ये सीनियर सिटीजन की जो कैटेगरी है, जो जॉब की कैटेगरी है, प्रोफेशन की कैटेगरी है, जिसके अंदर उनकी ज्यादातर एक्टिव इनकम होती है। पर अगर वो रिटायर हो जाते, जैसे गवर्नमेंट में रिटायर हो गए, या वो अगर जॉब पे है तो वो रिटायर हो जाते, तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट मिलता है, और जो रिटायरमेंट बेनिफिट उनको दिया जाता है, पेंशन दी जाती है, ग्रेच्युटी दी जाती है, जो वो जमा करके फिक्स डिपॉजिट में या कहीं पैसा लगाकर इन्वेस्टमेंट करके वो अपनी पैसिव इनकम यहां पर जनरेट कर, ये उनके लिए पैसिव इनकम है, और इंटरेस्ट जो ब्याज है वो भी उनके लिए यहां पर पैसिव इनकम यहां पर जनरेट होती है। तो एक्टिव इनकम भी हो गई यहां पर, उनकी पैसिव इनकम भी हो गई। अब दूसरे तरह के सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, जिनकी यहां पर बिजनेस में, यहां पर जो बिजनेस करते हैं, बिजनेस इनकम होती है, चाहे वो रिटेल में करते हो, होलसेल में करते हो, साड़ी का बिजनेस हो, कपड़ों का बिजनेस हो गया हो, रिटेल में करियाना की दुकान हो गई हो, या कोई यहां पर टीवी का बिजनेस हो गया है, शोरूम, मोबाइल का शोरूम खोल के रखा हो, तो ऐसे सीनियर सिटीजन जो यहां पर बिजनेस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में भी जुड़े हुए हैं, या तो ये है जो यहां पर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी जो दूसरी हमने रखी है, जो बिजनेस की है। दोस्तों तीसरी जो कैटेगरी है, जिसके अंदर कोई भी वो एक्टिव इनकम यहां पर नहीं कमा रहे हैं, बल्कि उनके पास सिर्फ पैसिव इनकम है, उनके पास संपत्तियां हैं, पैतृक संपत्ति पड़ी है, या स्व अर्जित सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी उनके पास है, खुद से परचेज करी हुई, अपने जब वो जॉब करते थे तब उन्होंने पैसे जमा करके यहां पर प्रॉपर्टी परचेज करके रखी है, अब उनको वो सिर्फ ब्याज की इनकम कमा रहे, जो ब्याज आ रहा है वो कमा रहे, या फिर उस ब्याज को यहां पर एफडी करके जो पैसा आ रहा है इंटरेस्ट का, उससे यहां पर वो जो है जो भी इनकम वो बनकर आ रही है, उससे अपना घर चला रहे हैं। तो ये तीसरे के यहां पर सीनियर सिटीजन है। हमने आज के इस वीडियो के अंदर तीन तरह के जो है कैटेगराइज किए गए हैं, जिसको इनकम टैक्स के अंदर यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ता है और टैक्स भी देना होता है। तो आइए देखते हैं ये तीन तरह के जो यहां पर हमने सीनियर सिटीजन बताए, जिन पर कौन सी इनकम लागू होती है, कैसे ये अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और कैसे ये टैक्स देते हैं, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। कैटेगरी हमने यहां पर आपको बताई है सीनियर सिटीजन के लिए। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, जिसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि यहां पर अगर सीनियर सिटीजन जॉब पर है, सर्विस पे है, गवर्नमेंट जॉब है या नॉन गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब करता है, या फिर वो खुद ही एक प्रोफेशन है, डॉक्टर है, लीगल में है, एडवोकेट है, या चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीएस है, तो आइए देखते हैं कौन सी वो इनकम यहां पर जो है जनरेट करते हैं और कैसे, कौन से हेड के अंदर उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। तो अगर वो जॉब करते हैं, सर्विस पे, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब क्यों ना हो या फिर वो प्राइवेट जॉब क्यों ना हो, यहां पर आपको मिलती है सैलरी, तो आपकी जो सैलरी है वो यहां पर टैक्सेबल होती है, इनकम फ्रॉम जो सैलरी हेड है जिसके अंदर आपकी सैलरी टैक्सेबल होती है, और यहां पर सीधा सीधा आपको 50,000 का डिडक्शन दिया जाता है, यानी अगर आपकी 10,00,000 की सैलरी है तो 50,000 यहां पर फ्लैट डिडक्शन मिलकर 9.5 लाख रुपए यहां पर आपकी टैक्सेबल सैलरी हो जाती है, जिस पे यहां पर आप इनकम टैक्स स्लैब के रेट के हिसाब से यहां पर टैक्स दे सकते हैं। जो लोग यहां पर रिटायरमेंट ले चुके हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, या जो बड़ी बड़ी कंपनियों में हैं, जो यहां पर रिटायरमेंट लेने के बाद उनको यहां पर पेंशन मिलती है, ग्रेच्युटी मिलती है, लीव सैलरी मिलती है, तो अगर आपको पेंशन मिलती है तो यहां पर दो तरह की पेंशन होती है, कम्यूटेड पेंशन होती है, अनकम्यूटेड पेंशन होती है। तो यहां पर अगर कम्यूटेड पेंशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उनके लिए यहां पर एग्जेम्प्ट रहती है, उनको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन अगर आपकी अनकम्यूटेड पेंशन है, कम्यूटेड मतलब आपको लमसम में यहां पर पैसा मिल गया है, अनकम्यूटेड मतलब हर महीने टुकड़े टुकड़ों में आपको यहां पर जो पेंशन दी जा रही है, आपकी सैलरी के बेस के ऊपर कैलकुलेशन पूरा किया जाता है, तो उस पर आपको यहां पर टैक्स भरना पड़ जाता है। तो जो टैक्सेबल किसके अंदर होती है, जो पेंशन होती है अनकम्यूटेड, वो सैलरी के हेड के अंदर ही होती है, जिसके अंदर आपको 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तो जरूर मिल जाए। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो भी पेंशन यहां पर आपको मिलती है, अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो यहां पर आपको फैमिली पेंशन मिलती है, तो आपके घर वालों को, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों का अगर ये पेंशन मिलती है तो उस केस में 15,000 तक का आप यहां पर डिडक्शन ले सकते हैं, और इसे यहां पर आप डिस्क्लोज कहां करेंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर यहां पर आपको डिस्क्लोज करना होगा। जो भी फैमिली पेंशन मिलेगी, तो पेंशन अगर रिसीव होती है, एम्प्लॉय को रिसीव होती है, तो उस केस में वो सैलरी में दिखा सकता है, एंड अगर
वो फैमिली पेंशन रिसीव हुई है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, जो फैमिली मेंबर है वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में यहाँ पर दिखा सकते हैं। दोस्तों अगर सीनियर सिटीजन प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन से जुड़े हैं, तो उनके लिए यहाँ पर प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन का बेनिफिट दिया जाता है, यानी सेक्शन 44AD(a) का बेनिफिट दिया जाता है। ये पहले बेनिफिट सिर्फ 44AD यानी बिजनेस वालों के लिए था, लेकिन सरकार ने यहाँ पर प्रोफेशन वालों के लिए भी यहाँ पर प्रिजम्प्टिव का यहाँ पर जो है बेनिफिट दे दिया है, जिसमें उनकी अगर 50 लाख तक रिसिप्ट है तो वो 50% यहाँ पर प्रॉफिट दिखाकर जो है टैक्स यहाँ पर भर सकते हैं। ध्यान रखिएगा अगर 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करवाना होगा और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना होगा, लेकिन अगर 50 लाख से कम है तो उस केस में 50% या उससे ज्यादा का अगर आप प्रॉफिट दिखाते हैं तो यहां पर आपको ना ही कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना रहेगा, ना ही कोई ऑडिट करवाने की जरूरत रहेगी, लेकिन उससे कम अगर आप दिखाते तो आपको मेंटेन भी करना होगा और ऑडिट भी करवानी होगी। प्रोफेशन से जुड़े हुए जिनके लिए 44AD(a) जो यहाँ पर जो प्रावधान है जिसके तहत वो यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे दूसरे तरह के सीनियर सिटीजन जो कैटेगरी हमने रखी है बिजनेस वालों के लिए, तो अगर आप रिटेल बिजनेस करते हैं, होलसेल बिजनेस करते हैं या छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर है और सीनियर सिटीजन है, तो उस केस में यहाँ पर आपकी जो टोटल टर्नओवर है, जो टोटल सेल है, जो टोटल टर्नओवर है, ध्यान रखिएगा अगर 2 करोड़ तक है तो यहाँ पर सेक्शन 44AD जो हमने आपको प्रोफेशन के लिए बताया था, 44AD(a) प्रिजम्प्टिव जो प्रोफेशन के लिए था, लेकिन अगर आप बिजनेस में 44AD यहां पर आपके लिए बिजनेस के अंदर प्रिजम्प्टिव होने वाला है, जहां पर आप 2 करोड़ की अगर आपकी सेल है, टोटल टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीप्ट है, तो उस केस में यहां पर जो है आप 8% या 6% अगर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, अगर सारी की सारी जो सेल आपकी जो रिसीप्ट होती है वो यहां पर जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन से होती है तो 6% का प्रॉफिट आप दिखा सकते हैं, नहीं तो अगर आप कैश में दिखाते हैं तो 8% का प्रॉफिट यहां पर आप दिखा कर जो है अपना इनकम टैक्स यहां पर भर सकते हैं। तो जो भी टोटल सेल टर्नओवर आएगी, समझ लो 2 करोड़ है, तो 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ अगर आपकी सेल है और तो 2 करोड़ के अंदर है, तो उस केस में यहां पर 1.5 करोड़ का आप 8% या 6% यहां पर आप दिखाकर जो है अपना इनकम टैक्स यहां पर भर सकते हैं इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से। अपने 8% और 6% से अगर कम दिखाना चाहते हैं, लोअर दिखाना चाहते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको ऑडिट भी करवानी होगी और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करना होगा। ऑडिट की लिमिट 44AB के अंदर दी गई है, 1 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर जाती है तो आपको ऑडिट करवाना यहां पर मैंडेटरी होता है, लेकिन यहां पर अगर 2 करोड़ के अंदर है तो 44AD प्रिजम्प्टिव का बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको लोअर इनकम नहीं दिखानी है। जो लोअर यहां पर फिक्स करी गई है 8% और 6%, इससे कम अगर आप दिखाएंगे तो आपको ऑडिट करवानी होगी और बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करना होगा। अगर आपकी 1 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ के अंदर है, अगर 44AD अगर आप नहीं चाहते हैं तो यहां पर आप ऑडिट और यहां पर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपकी 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है, ग्रॉस रिसीप्ट है, सेल है और 10 करोड़ के अंदर है, तो उस केस में यहां पर आपके लिए ऑडिट एप्लीकेबल होगी, बुक्स ऑफ अकाउंट एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर यहां पर आप कैश रिसिप्ट या कैश पेमेंट 5% से ज्यादा नहीं करते, जो भी आपकी टोटल रिसिप्ट है, सेल है, उससे 5% से ज्यादा नहीं करते, यानी 95% से ज्यादा यहां पर आपकी जो है जो भी है ऑनलाइन बैंकिंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से होनी चाहिए, सभी सेल्स जो भी पेमेंट्स है, एक्सपेंडिचर है, अगर ऐसा है तो उस केस में यहां पर ऑडिट करवाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न स्लैब वाइज यहां पर भर सकते हैं, जो भी स्लैब रेट आपको लगेगी उसके हिसाब से जो भी आपकी इनकम निकल के आती है उस पर आप यहां पर टैक्स दे सकते हैं। तो यहां पर आप खर्चों का जो है डिडक्शन भी ले सकते हैं, खर्चे जो भी आपके बिजनेस में जो खर्चे होते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी आप सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज को, अगर आपने कोई भाड़े पर रेंट पे अगर कोई शॉप लेकर रखी उसका जो भाड़ा पे करते हैं और भी छोटे मोटे जो अन्य खर्चे उसका डिडक्शन आप लेकर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके जो भी प्रॉफिट निकल के आता है उस पर आप अपनी स्लैब रेट के हिसाब से यहां पर टैक्स दे सकते हैं। तो 10 करोड़ तक आपको फिर कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट तो यहां पर आपको मेंटेन करना रहेगा, पर ऑडिट कराने की कंडीशन यही है कि 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। अब ऐसे सीनियर सिटीजन की बात कर लेते हैं जो बिजनेस में है एंड उनका जो टर्नओवर है 10 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में उन्हें मैंडेटरी ऑडिट भी करवानी होगी और बुक्स ऑफ अकाउंट भी यहां पर मेंटेन करना होगा। टाइप के सीनियर सिटीजन जिनकी यहां पर पैतृक संपत्ति है, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, स्व अर्जित संपत्ति है, जिस संपत्ति को यहां पर वो भाड़े पर चढ़ाकर, लेट आउट पर चढ़ाकर यहां पर रेंट की इनकम कमा रहे, ब्याज की इनकम कमा रहे या फिक्स डिपॉजिट के अंदर पैसा रख के यहां पर इंटरेस्ट की इनकम कमा रहे हैं, तो आइए देखते एक एग्जांपल के थ्रू के क्या उनकी इनकम होगी और क्या उनकी टैक्स लायबिलिटी निकल के आती है। तो यहां पर जो भी भाड़े की इनकम आ रही है, जो वो यहां पर हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर यहां पर उनकी टैक्सेबल होने की, जिसके अंदर मान के चलिए उनकी 40,000 मंथली यहां पर भाड़े की इनकम आती है, 12 महीने के हिसाब से 4,80,000 रुपए यहां पर भाड़े पर आते हैं, जिस पर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन सीधा 24A के अंदर यहां पर मिल जाता है, यानी 1,44,000 उन्हें सीधे यहां पर डिडक्शन मिल जाएगा, 3,36,000 रुपए के हिसाब से वो यहां पर जो टैक्सेबल उनकी इनकम हो जाती है एंड उस पर यहां पर उनको टैक्स देना होगा।
अब यहां पर जो फिक्स डिपॉजिट की इनकम है, यहां पर 80,000 मान के चलिए 10 लाख का फिक्स डिपॉजिट कराए 8% के ब्याज के हिसाब से सीनियर सिटीजन को, जो हाल की रेट में यहां पर दिया जा रहा है 8% या उससे ज्यादा दिया जा रहा है, तो उस केस में 80,000 का ब्याज सालाना आ रहा है, जिस पर यहां पर 50,000 जो ATTTB के तहत आप डिडक्शन लेकर 30,000 यहां पर आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो 3,36,000 जो है यहां पर आपकी रेंट इनकम, जो हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आ जाएगी, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस से आपकी इंटरेस्ट इनकम 30,000 निकल के आती है। तो टोटल 3,66,000 की आपकी टोटल इनकम आती है, जो सीनियर सिटीजन है उनके लिए स्लैब रेट 3 लाख तक है। तो 66,000 आपकी जो यहां पर टैक्सेबल इनकम होती है, जिसमें यहां पर 5% के रेट के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी 3,300 का यहां पर टैक्स आपको देना होगा। लेकिन यहां पर जो 87A का रिबेट आ जाता है, क्योंकि आपकी 5 लाख से अंदर इनकम है, ओल्ड टैक्स रिजिम में आप ऑप्ट करते हैं, तो उस केस में यहां पर 3,300 रुपए पूरे आपके माफ कर देगी सरकार और आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहां पर एडवांस टैक्स भी आपके लाइबिलिटी नहीं आती है, अगर 10,000 से ज्यादा भी अगर आपका टैक्स क्यों ना बन के आता हो, क्योंकि आपकी सिर्फ संपत्तियां हैं, आपके पास कोई भी यहां पर बिजनेस इनकम अगर नहीं है, तो अगर 10,000 से ज्यादा भी एडवांस टैक्स क्यों ना हुआ, आपको एडवांस टैक्स भी यहां पर नहीं भरना होता। ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से यहां पर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अगर आप जॉब करते हैं सर्विस में, गवर्नमेंट जॉब करते हैं या फिर कोई प्राइवेट जॉब करते हैं, आपने जॉब छोड़ दी, पेंशन इनकम आपको आ रही है, ब्याज की इनकम आ रही है, तो ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको यहां पर एग्जेम्प्शन दिया गया है, बजट 2021 के अंदर यहां पर जो सरकार द्वारा अनाउंस किया गया था कि सीनियर सिटीजन जिनकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन यहां पर रखी थी, कंडीशनल रिलीफ यहां पर दी गई थी, जिसके तहत क्या क्या कंडीशन है। तो सीनियर सिटीजन की एज जो है वो 75 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, यहां पर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, यहां पर सीनियर सिटीजन की सिर्फ पेंशन इनकम और इंटरेस्ट यानी ब्याज की इनकम होनी चाहिए, और जो भी ब्याज एक्यूड हो रहा है, जो भी स्पेसिफाइड बैंक जहां पर उनकी पेंशन इनकम आ रही है, वहीं पर जो है उनकी इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा यहां पर और कंडीशन है कि यहां पर जो सीनियर सिटीजन है उन्हें यहां पर डिक्लेरेशन देना होगा, जो भी स्पेसिफाइड बैंक है, जो यहां पर स्पेसिफाइड जो बैंक है जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यहां पर नोटिफाइड करी जाएगी, तो डिटेल डिक्लेरेशन यहां पर देना होगा, जिसके अंदर उसने अपनी सभी इनकम डिडक्शन के बारे में यहां पर जो है डिक्लेरेशन जो बैंक है स्पेसिफाइड बैंक उन्हें देना होगा, और इसी के साथ जो बैंक है स्पेसिफाइड बैंक है वो उनका TDS डिडक्ट करेगी आफ्टर कंसिडरिंग जो भी डिडक्शंस है, चैप्टर 6A के डिडक्शन है, ATC से लेकर ATU के जो डिडक्शन है। इसके अलावा यहां पर जो रिबेट 87A का उसको कंसिडर करने के बाद यहां पर जो स्पेसिफाइड बैंक एक बार TDS डिडक्ट कर लेती है, उसके बाद सीनियर सिटीजन को यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, वो यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे सीधे सीधे। तो ऐसे सीनियर सिटीजन जिनको यहां पर जो है एग्जेम्प्ट किया गया है, उन्हें इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब आ जाते बात करते हैं यहां पर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन की क्या होगी बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट, बेसिक स्लैब रेट। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर सीनियर सिटीजन जो है 60 साल से ज्यादा है तो उनके लिए क्या बेसिक स्लैब होगी, और जो सुपर सीनियर सिटीजन है जो 80 साल से ज्यादा है उनके लिए क्या स्लैब रेट होगी, आइए इस बारे में थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी बेसिक स्लैब रेट क्या होगी ओल्ड टैक्स रिजिम में और न्यू टैक्स रिजिम में। 1 अप्रैल 2023 से यहां पर जो बजट 2023 है वो लागू हो गया, यानी अब जो सीनियर सिटीजन है अगर न्यू स्कीम में जाते हैं तो उन्हें 7 लाख रुपए तक फायदा मिलेगा, 7 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आइए समझते हैं क्या है यहां पर स्लैब रेट। तो सबसे पहले ओल्ड स्लैब रेट समझते हैं जो यहां पर सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए है। तो अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहां पर उस केस में 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 3 लाख से 5 लाख की बात करें तो 5% यहां पर टैक्स रेट चार्ज होगा। 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो उस केस में 20% और 10 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है तो उस केस में 30% टैक्स रेट चार्ज होगा। दोस्तों इस टैक्स रेट के अलावा यहां पर आपको सरचार्ज भी लगता है और 4% एजुकेशन सेस भी लगता है। सुपर सीनियर सिटीजन की जिनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख तक है, ध्यान रखिएगा 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। यहां पर रिबेट जो है वो 5 लाख तक रखा गया है, यानी जो सीनियर सिटीजन है जिन्हें 5 लाख की अगर इनकम है तो 5 लाख तक का यानी 10,000 रुपए तक का यहां पर टैक्स में बेनिफिट मिलेगा।
सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो ऑलरेडी उनके यहाँ पर 5 लाख की ही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट स्टार्ट है, तो उन्हें रिबेट का तो फायदा वैसे भी नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो है 5 लाख से 10 लाख की बात करें तो 20% टैक्स रेट चार्ज होता है। 10 से ऊपर अगर आपकी इनकम गई तो उसके इसमें 30% सीधा सीधा टैक्स रेट लग जाएगा। तो भी सरचार्ज और एजुकेशन सेस 4% लागू किया जाएगा। दोस्तों अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन है न्यू स्लैब रेट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या स्लैब रेट है एक बार उसे भी जान लेते हैं। तो यहां पर 3 लाख से चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो दोनों के लिए ही यहां पर 3 लाख बेसिक एग्जम्पशन रखी गई है। 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। फिर यहां पर सेकंड स्लैब है 3 लाख से 6 लाख तक, जहां पर 5% आपको टैक्स रेट लगेगा। फिर आती है 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख की बात करें तो यहां पर आपको 15% टैक्स रेट चार्ज होगा। 12 लाख से 15 लाख की बात करें तो 20%, और अगर आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर आती है तो उसके इसमें 30% टैक्स रेट चार्ज होगा। दोस्तों ये न्यू स्लैब रेट यहां पर जो मॉडिफाई करी गई है अब बजट 2023 से, यानी 1 अप्रैल 2023 से अब यहां पर आपको लागू होगी। यानी आने वाले फाइनेंशियल 23-24 से आपकी जो भी इनकम होगी, जितना भी आपका इनकम यहां पर निकल के आता है, चाहे आपकी रेंट से आए, सैलरी से आए, या कोई अदर बिजनेस इनकम से आए, या कोई अदर फिक्स डिपॉजिट की इनकम आए, आपकी जो स्लैब रेट है यही यहां पर आपको लगेगी। जो ओल्ड स्लैब रेट है वो यहां पर कंटिन्यू रहेगी और जो न्यू स्लैब रेट है वो यहां पर अब मॉडिफाई कर दी गई है। यहां पर डिडक्शन और एग्जम्पशन जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स में दिया जाता है, सबसे पहले आ जाते हैं सेक्शन 80C के बारे में बात करते हैं। 1.5 लाख तक की यहां पर आपको छूट मिलती है अगर आप यहां पर निवेश है पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट के अंदर, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 5 साल की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, या फिर आपका कोई ईपीएफ अकाउंट क्यों ना हो, या आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, खुद पर लिया, अपने बच्चों पर लिया, या स्पाउस पर लिया हुआ है, तो 1.5 लाख तक की यहां पर आपको छूट मिलती है। अगर आपने कोई घर लिया है उस पर अगर आप प्रिंसिपल यानी रिपेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में भी यहां पर आपको डिडक्शन 1.5 लाख के अंदर ही यहां पर मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर सेक्शन 80C का यहां पर डिडक्शन आपको मिलता है। इसके अलावा अगर आप सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं नोटिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर तो 50,000 का एडिशनल डिडक्शन आपको मिलता है। अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये 50,000 का डिडक्शन आपको मिल जाएगा। दोस्तों एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने आपको बताया था जो न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम दोनों में ही आपको मिलेगा। जो बजट 2023 है जिसके अंदर न्यू स्कीम में भी ये अलाउड किया गया है, 50,000 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड किया जाएगा। एडवांस टैक्स की बात कर लेते हैं, ऑलरेडी हमने आपको बताया था अगर आप बिजनेस इनकम नहीं है आपकी, इसके अलावा सभी इनकम है तो 10,000 से ज्यादा भी क्यों ना है, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको कोई भी एडवांस टैक्स की लायबिलिटी नहीं आती है। सेक्शन 194P की तो हमने बात करी थी आपको, जहां पर आपको इनकम टैक्स से एग्जम्प्ट किया गया था, 75 साल या उससे ज्यादा है, पेंशन इनकम है, लेकिन अगर आपका टीडीएस जो है 50,000 से ज्यादा हो गया तो उस केस में 194P लागू नहीं होगा, आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना यहां पर मैंडेटरी हो जाता है। ATTT-B की बात कर लेते हैं, जहां पर अगर आपकी सिर्फ ब्याज की इनकम आ रही है, डिपॉजिट अगर आपने किया है सेविंग अकाउंट में या पर फिक्स डिपॉजिट में डिपॉजिट किया है तो जो ब्याज इनकम आ रही है 50,000 तक यहां पर आपको छूट मिलेगी, कोई भी टैक्स चार्ज आपको नहीं होगा। ATD की बात कर लेते हैं दोस्तों, ATD में मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप लेते हैं 50,000 तक यहां पर आपको छूट दी जाएगी। जो सीनियर सिटीजन है उनको यहां पर जो 50,000 का डिडक्शन दिया जाएगा सीधे सीधे। अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करें तो सीनियर सिटीजन को 50,000 मेडिकल एक्सपेंडिचर भी मिल जाता है, यहां पर छूट मिल जाती है अगर वो कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले पाते। यहां पर ध्यान रखिएगा जो हेल्थ इंश्योरेंस आप लेंगे वो कैश में आपको नहीं करना है, यहां पर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही करना है। अगर आप कैश में करते तो कोई भी डिडक्शन आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। 5,000 जो है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर आपको दिया जाएगा, 5,000 जो है लिमिट इंक्लूड है 50,000 के अंदर, वो कैश में अलाउड किया जाएगा। तो दोस्तों ये सभी डिडक्शन एग्जम्पशन जो है वो यहां पर इनकम टैक्स में जो दिए गए वो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को यहां पर लागू किए जाएंगे। आज के वीडियो के अंदर हमने आपको डिटेल जानकारी दी है यहां पर के अगर कोई सीनियर सिटीजन है सुपर सीनियर सिटीजन है वो यहां पर इनकम कमाते भी हैं और यहां पर एक्टिव इनकम हो चाहे पैसिव इनकम हो, सरकार को वो टैक्स भी देते हैं, डिडक्शन भी उनको मिलता है, एग्जम्पशन भी मिलता है, बहुत सारे फायदे भी मिलते हैं और यहां पर जो है सरकार को वो टैक्स भी जमा करते हैं। तो ये कभी मत समझिएगा कि यहां पर जो सीनियर सिटीजन है वो क्या ही टैक्स भरता होगा, क्या ही उसकी इनकम होगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन भी अपनी इनकम चाहे वो एक्टिव इनकम क्यों ना हो या पैसिव इनकम क्यों ना हो, दोनों ही इनकम से यहां पर सरकार को टैक्स जमा करता है, इकोनॉमी को डेवलप करने में यहां पर मदद करता है। तो दोस्तों आज का वीडियो सभी सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए था। आप अगर एक सीनियर सिटीजन है, सुपर सीनियर सिटीजन है या आप एक वरिष्ठ नागरिक है तो यहां पर अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यह वीडियो अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में जरूर शेयर करिए। बहुत ही ज्यादा यहां पर जो है नॉलेज हमने इस वीडियो के अंदर शेयर करने की कोशिश करी है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।